तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मीतर बोलनारस। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन स्कैम के बारे में, ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में। तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। जैसे कि इंडिया डिजिटल होता जा रहा है, डिजिटल इंडिया हम बोलते हैं, तो उसी तरीके से डिजिटल फ्रॉड भी अभी काफ़ी प्रमाण में बढ़ रहे हैं। आज मैं बात करने वाला हूँ तीन ऐसे ऑनलाइन फ्रॉड या स्कैम जिसे हम बोल सकते हैं, जो कि सोशल मीडिया थ्रू आजकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा लोग इसके दुष्परिणाम भुगत रहे हैं। तो इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं ताकि हम भी सतर्क हो जाए और इस वीडियो को शेयर करके हम दूसरों को भी सतर्क कर सके। तो पहला जो फ्रॉड है वो है आर्मी फ्रॉड। तो ये आर्मी फ्रॉड क्या होता है और इससे कैसे बचे जा सकते हैं? तो आर्मी फ्रॉड सोशल मीडिया थ्रू मैक्सिमम होता है। सोशल मीडिया पर कई आर्मी प्रोफाइल बनती है, आर्मी प्रोफाइल आर्मी पर्सन के नाम से और उसके फोटो, उसका फोटो लगाकर आर्मी प्रोफाइल बनाई जाती है और उसके थ्रू स्प्रेड किया जाता है कि मेरा ये सामान बेचना है, वॉशिंग मशीन है, फ्रीज है या एसी है, गाड़ी है, ये सभी मेरा सामान बेचना है, जो भी इंटरेस्टेड है, मैं आर्मी पर्सन हूँ, मेरा ये एड्रेस है। इवन एड्रेस भी फेक दिया जाता है, कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया जाता है और जिसे भी इंटरेस्ट है वो कमेंट या कॉल कर करके या तो फिर व्हाट्सअप करके इंक्वायरी कर सकता है। जब ऐसा कोई इंसान इंक्वायरी करता है, व्हाट्सअप करता है, कॉल करता है, तो उसे कहा जाता है कि मैं आपको एक यूपीआई स्कैनर भेजता हूँ, मैं आपको स्कैनर भेजता हूँ, आप उस पे 1 रुपया कन्फर्मेशन के लिए या तो अपनी यूपीआई आईडी डाल के 5 रुपया कन्फर्मेशन के लिए भेज दीजिए, फिर आगे की प्रोसेस करते हैं। तो पहली चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी आर्मी इंसान, कोई भी आर्मी पर्सन जो कि अपने देश के लिए अपनी जी जान लगाकर मेहनत करता है, देश के लिए अपनी जान तक देने के लिए रेडी रहता है, वो इंसान सोशल मीडिया पर उसको अपनी चीज़ें बेचने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसी कोई भी पोस्ट हो इसे इग्नोर करे या तो फिर रिपोर्ट करे। दूसरी चीज़, अगर बहुत सारे लोग आजकल ऑनलाइन सेलिंग करते हैं तो इसी ऑनलाइन सेलिंग के चक्कर में उनकी ही प्रोडक्ट के फ़ोटो लेकर यही आर्मी जो पर्सन होते हैं, मतलब फेक आर्मी पर्सन, उनके व्हाट्सएप पर व्हाट्सएप करते हैं और बोलते हैं कि मुझे आपकी ये प्रोडक्ट लेनी है, पर मेरा डायरेक्टली पेमेंट नहीं हो पाएगा लिमिटेशन की वजह से, गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन की वजह से, तो मैं आपको एक स्कैनर भेजता हूँ, आप अपनी यूपीआई आईडी डाल के 1 रुपया स्कैन करें, 1 रुपया पेमेंट करें, स्कैन करके फिर मैं आपको बाकी का पेमेंट करता हूँ। तो कभी भी कोई भी चीज़ आप सेल करो, ऑफिशियली आप जब कोई भी चीज़ सेल करते हो ऑनलाइन, तो इस तरीके से पेमेंट कभी एक्सेप्ट ना करें। आपका प्रोडक्ट अगर आपको सेल करना है और किसी इंटरेस्टेड इंसान को अगर लेना है तो वो डायरेक्टली आपको पेमेंट करके ही आपकी प्रोडक्ट खरीदेगा, ना कि ये स्कैन करो या ये अपनी यूपीआई आईडी डालो, ये ऐसी कोई भी चीज़ या ऐसी कोई भी प्रोसेस नहीं होती है। तो इसके ऊपर मत जाइए, आप सीधे सीधा बोलिए कि ये हमारा पेमेंट मोड है, इसके थ्रू जीपे, फोन पे, पेटीएम या तो बैंक ट्रांसफर जो भी है आप उसके थ्रू पेमेंट कर सकते हो, पेमेंट क्रेडिट होने के बाद आपको आपकी प्रोडक्ट डिस्पैच हो जाएगी। तो ये हुआ फर्स्ट आर्मी फ्रॉड, फेक आर्मी फ्रॉड। सेकेंड जो फ्रॉड है वो है ओटीपी फ्रॉड। ओटीपी फ्रॉड क्या है और कैसे होता है ये मैं आपको बताता हूँ। ओटीपी फ्रॉड मतलब आजकल कई कुरियर कंपनीज ऐसी होती है जो अपनी प्रोडक्ट डिलीवरी करती है तो डिलीवरी के टाइम पे ओटीपी वेरिफिकेशन करती है, तब सिग्नेचर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फॉर एग्जांपल आपने कोई कुरियर कंपनी थ्रू, आपने कोई मार्केट प्लेस थ्रू कोई ऑर्डर किया है और वो कोई कुरियर कंपनी थ्रू आपके घर पे आता है, तो वो लोग आपको वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी मांगते हैं। ओटीपी जब मांगते हैं वो ओटीपी देने के बाद ही आपको प्रोडक्ट डिलीवर्ड होता है। तो कई सारे कुरियर कंपनीज ने ये प्रोसेस की होती है। तो इससे हम कैसे बच सकते हैं और जेन्यूनली हमें कब ओटीपी देना चाहिए और कब नहीं, ये मैं आपको बताता हूँ कि
जब कोई भी कुरियर आप मंगवाते हो या कोई भी मार्केट प्लेस, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, बहुत सारी, ये सिर्फ नाम बता रहा हूँ मैं, ऐसी बहुत सारी कुरियर का मार्केट प्लेसेस है जिससे हम कई बार फेसबुक थ्रू भी हम कुछ ऑर्डर करते हैं, कई बार व्हाट्सएप थ्रू भी ऑर्डर करते हैं। तो जब भी आप ऑर्डर करते हो और आपको जब ट्रैकिंग मिलती है और आप जब उसको ट्रैक करते हो पर्टिकुलर कुरियर कंपनीज की वेबसाइट पर, गूगल पर जाकर, तो यही फेक जो स्कैमर्स लोग हैं जो ऑनलाइन फ्रॉड करते हैं, इनकी टीम आपकी आईपी एड्रेस जो होता है उसके थ्रू आपको कांटेक्ट करती है मोबाइल नंबर निकाल कर, और आपको कहते हैं कि आपका पार्सल स्टक हो चुका है, फंसा हुआ है एक जगह पर, और अगर आपको डिलीवरी चाहिए तो आप हमें ओटीपी दीजिए, आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा, वो ओटीपी दीजिए, फिर हम आपका पार्सल डिलीवर्ड करेंगे। तो मुझे आपको ये इन्फॉर्म करना है कि कोई भी कुरियर कंपनी हो, एक्स वाई जेड, कोई भी कुरियर कंपनी उनके ऑफिस में बैठे बैठे आपको ओटीपी मांग नहीं सकती। अगर उनका वे ऑफ प्रोसेस भी है ओटीपी से डिलीवर करने का, फिर भी कोई भी कुरियर कंपनी आपको ऑफिस में बैठकर ओटीपी नहीं मांग सकती। उनको आप सीधे सीधे मना कर सकते हो, आप बोल सकते हो कि कोई इशू नहीं है, मैं मेरे जो भी सेलर है, आपने जिस भी मार्केट प्लेस से या जिस भी इंसान से वो प्रोडक्ट परचेज किया है, आपको डायरेक्टली उनको इन्फॉर्म करना है, ना कि आप कोई भी 5 रुपया या कोई भी 1 रुपया या कोई भी ओटीपी शेयर नहीं करना है। या तो फिर सेकेंडली ऐसा भी करते हैं लोग जो ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले लोग हैं, ऐसा भी करते हैं कि आपका पार्सल फंसा हुआ है, आपका पार्सल स्टक हो चुका है, हम आपको डिलीवरी तभी देंगे जब आपको एक स्कैनर भेजते हैं, 5 रुपया आपको पे करना पड़ेगा। तो कभी भी कोई भी पेमेंट, अगर आप फ्री शिपिंग कोई चीज़ मंगवाते हो तो 1 रुपया हो या 5 रुपया हो या 100 रुपया हो, अगर फ्री शिपिंग आप कोई चीज़ मंगवाते हो तो पेमेंट करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर ओटीपी डिलीवरी वाली कुरियर कंपनी है तो आप ओटीपी कब देनी चाहिए, आपका पार्सल जब आपके डोर स्टेप पे, मतलब कि आपके घर पे डिलीवरी बॉय आता है, तब आप पार्सल को चेक कर सकते हो जिस कंपनी थ्रू आपने मंगवाया है, क्या वही पार्सल है, क्या आपने मंगवाई हुई चीज़ है, वो आप पार्सल के ऊपर चेक करके, पूरी डिटेल्स चेक करने के बाद पार्सल के लिए ओटीपी देकर फिर पार्सल कलेक्ट कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारी कुरियर कंपनीज ने फेक सिग्नेचर केसेस होने की वजह से ओटीपी डिलीवरी सिस्टम चालू कर दिए, पर ओटीपी कभी भी कोई भी कुरियर कंपनी ऑफिस में बैठकर नहीं मांगती। आपके घर पे डिलीवरी बॉय आएगा, आपको डिलीवरी देने के टाइम पे आप पार्सल चेक कर सकते हो, क्या यही पार्सल है, यही चीज़ है जो मैंने मंगवाई है, अगर वही चीज़ है, आपका वेरिफिकेशन ओके हो तो आप उसको ओटीपी दे सकते हो और अपना पार्सल कलेक्ट कर सकते हो। ये हुआ सेकेंड स्कैम। थर्ड जो ऑनलाइन अभी फ्रॉड चल रहा है वो है रॉन्ग पेमेंट, रॉन्ग अमाउंट क्रेडिट का स्कैम। मतलब कि कोई एक इंसान एक्स वाई जेड, कोई इंसान आपको कॉल या व्हाट्सअप कॉल या व्हाट्सअप मैसेज करता है और बताता है कि मेरे अकाउंट से या मेरे जीपे थ्रू, फोन पे, पेटीएम या मेरे बैंक ऐप थ्रू बाय मिस्टेक आपके अकाउंट में 2,000, 3,000 या जो भी कुछ अमाउंट है वो आपके अकाउंट में गलती से आ चुकी है, तो आप मुझे, मैं आपको एक स्कैनर देता हूँ या आपको एक लिंक देता हूँ, उसमें आप अपनी यूपीआई आईडी डालिए और मुझे फिर ये पेमेंट रिटर्न कीजिए। तो सबसे पहली चीज, अगर वो बहुत बड़ी अमाउंट है तो आपको कोई भी इंसान जो रॉन्ग अमाउंट आपके अकाउंट में आई है उसके लिए आपको कोई भी इंसान फोर्स नहीं कर सकता है। वो बैंक थ्रू कोई भी लीगल एक्शन लेके, मतलब कि एक वे ऑफ प्रोसेस होती है, लीगल एक्शन लेके बैंक प्रोसेस थ्रू उसके अमाउंट कलेक्ट कर सकता है। या तो फिर कई बार ऐसा होता है कि जीपे, फोन पे या पेटीएम थ्रू अगर उसने पेमेंट किया है और वो छोटी अमाउंट है, तो आप उसको बात करने के बाद अगर आपको वो बंदा जेन्यून लगता है कि हाँ भाई गलती से, क्योंकि हो सकता है बाय मिस्टेक गलती से भी नंबर डिजिट की वजह से हो सकता है कि गलती से पेमेंट आए, पर रिटर्न करने के लिए कभी भी यूपीआई कोई लिंक दे और यूपीआई आईडी आपकी डालनी है या तो फिर ओटीपी बता के पेमेंट रिटर्न करना है, ये कोई भी प्रोसेस ऐसी होती नहीं है। अगर आपको रिटर्न करना भी है तो आप डायरेक्टली उसके नंबर पर रिटर्न कर सकते हो, पेटीएम, फोन पे या जीपे पर।
कोई भी लिंक क्लिक नहीं करनी है, कोई भी लिंक पे UPI ID अपनी डालनी नहीं है, या तो फिर OTP नहीं डालना है। अगर सामने वाला इंसान आपको फोर्स करता है कि मुझे पेमेंट रिटर्न ही चाहिए और आपको इसी तरीके से देना होगा, तो आप सीधे सीधे उस इंसान को मना कर सकते हो कि मैं इस तरीके से पेमेंट आपका रिटर्न नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। आप इसके लिए आपके ऐप थ्रू, या तो आप बैंक थ्रू, या तो आप ऑनलाइन कंप्लेन दर्ज कर सकते हो, और वहां से आपका पेमेंट मेरे पास जब कंप्लेन आएगी उसके कंप्लेन के बेस पे मैं आपका पेमेंट रिटर्न कर दूंगा या कर दूंगी। तो किसी भी, सबसे पहली चीज, इतने अनजान या इतने नादान कभी ना बने कि अपनी UPI ID किसी से शेयर करे, या कोई भी इंसान आपको OTP मांगता है, कोई भी बैंक भी आपको OTP बैठे बैठे मांग नहीं सकती है। तो ये बहुत ही नादानी, मैं बोलूँगा कि लोग आजकल बहुत ही इजीली OTP शेयर कर देते हैं अपने मोबाइल पे आया हुआ, या तो फिर बहुत ही इजीली कोई स्कैनर देता है उसे स्कैन कर देते हैं, या अपनी UPI ID कोई लिंक देता है उस पर क्लिक करके UPI ID डाल देते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये ध्यान रखो कि कभी भी वेरिफिकेशन किए बिना कोई भी लिंक क्लिक मत करो। किसी को भी कोई भी रीज़न से आया हुआ OTP, पूरी इंफॉर्मेशन और पूरा वेरिफिकेशन किए बिना OTP मत दो, तो आप 99% आप सेफ रह सकते हो। तो आज हमने जाना कि फर्स्ट जो आर्मी फ्रॉड होता है ऑनलाइन, जो फेक आर्मी फ्रॉड होता है, वो उससे कैसे बचे। तो ऐसा कोई भी इंसान या ऐसा कोई भी आर्मी पर्सन नहीं होता है जो शिफ्ट होने की वजह से या कुछ भी रीजन से अपना जो माल सामान है वो सोशल मीडिया थ्रू बेचे, या तो फिर आपको व्हाट्सअप करके स्कैन करने के लिए बोले या UPI ID डालने के लिए बोले। तो ये फर्स्ट। सेकेंड, जो OTP स्कैम है, जो OTP ऑनलाइन फ्रॉड है, वो जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, कभी भी OTP कुरियर कंपनी होगी तो आपका पार्सल जब आपके घर पे आता है तब वेरिफिकेशन किए बिना कभी भी OTP नहीं देना चाहिए। वेरिफिकेशन कीजिए, आपका ही पार्सल है तभी OTP देके पार्सल कलेक्ट कीजिए। कोई भी कुरियर कंपनी आपको सेंटर पर बैठ के या तो फिर कुरियर ऑफिस पर बैठ के OTP मांग नहीं सकती, आप उनको लीगल एक्शन ले सकते हो। थर्ड, रॉन्ग पेमेंट क्रेडिट का है जो स्कैम अभी चल रहा है। मोस्टली ये बहुत इजी हो जाता है, किसी को बोलना कि मेरा आपके अकाउंट में 1,000 रुपया या 2,000 रुपया या 500 रुपया या 5,000 रुपया आ गया है, या कई बार छोटी अमाउंट होती है 100 रुपया, और आपको कॉल आता है और आप तुरंत रेडी हो जाते हो कि चल 100 ही रुपया है मैं रिटर्न कर देता हूँ। और उसका वे ऑफ रिटर्न प्रोसेस, कभी भी लिंक कोई भी इंसान देता है सामने वाला, उसके ऊपर क्लिक करो, फिर आप 100 रुपया पेमेंट आप UPI ID डाल के रिटर्न करो, या 1 रुपया रिटर्न करो, या 1 रुपया प्रोसेस करो, फिर आगे की प्रोसेस करो, तो ये कोई भी चीज़ ऐसी होती नहीं है, ये सब चीज़ फेक है। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है, आपका बैंक अकाउंट, आपकी जो भी सेफ्टी है वो सभी आपके हाथ में है। कोई भी आपके अकाउंट में घुसकर अमाउंट ले नहीं सकता जब तक कि आप कुछ प्रोसेस ना करो। तो कोई भी चीज़ OTP की हो या UPI ID की हो, ये सभी चीज़ प्रोसेस करने से पहले अच्छी तरीके से सोचिए और अच्छी तरीके से वेरिफिकेशन कीजिए, तभी कोई भी स्टेप लीजिए। तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही अवेयरनेस फुल वीडियो मैंने बनाने की कोशिश की है। क्या आपके साथ कभी ऐसा धोखा हुआ है? क्या आपके साथ ऐसा कोई ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है? तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और मैंने बनाया हुआ ये इंफॉर्मेटिव और अवेयरनेस फुल वीडियो आपको कैसे लगा ये ज़रूर बताना, ताकि मुझे भी एनकरेजमेंट मिले नए वीडियो बनाने के लिए। और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कमेंट वीडियो को ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।